की पोल खुलते देखा होगा। जैसा कि हम सभी देखते हैं कि पहले तो ये बाबा अच्छे बनने का ढोंग करते हैं और अपने झांसे में मासूमों को फंसा कर उनका शोषण करते हैं। हम आपको बताने आए हैं कुछ ऐसे ही बाबा के बारे में जो खुद को भगवान समझते थे और दूसरों का भविष्य तय करते थे, लेकिन खुद के कर्मों की वजह से वो खुद का ही भविष्य नहीं तय कर पाए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाबा राम रहीम से। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमित राम रहीम सिंह के खिलाफ साध्वी के यौन शोषण मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुना दी है। 7 साल की उम्र में सिर पर हाथ। राम रहीम का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ। तारीख थी 15 अगस्त 1967। बाबा का जन्म एक जाट सिख परिवार में हुआ। पिता मघर सिंह जमींदार थे और मां नसीब कौर हाउसवाइफ। नाम रखा गया गुरमीत सिंह। एक आम बच्ची की तरह जिंदगी गुजर रही थी। वही खेल कूद, वही मान मनोहार। वो पिता की इकलौती संतान थे तो लाड़ प्यार भी भरपूर मिला। लेकिन कहाँ पता था कि बहुत जल्द इस बच्चे की पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। वो भी दिन जल्द ही आया। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 29 अप्रैल 1948 में हुई थी। शाह मस्ताना जी महाराज ने डेरे की स्थापना की। इसके लिए मस्ताना जी ने जगह चुनी हरियाणा का सिरसा। कहा जाता है कि 12 साल तक उन्होंने हजारों लाखों भक्तों को ध्यान करना सिखाया। मस्ताना जी के बाद गद्दी संभाली सतनाम महाराज ने। सतनाम महाराज ने 90 के दशक शुरुआत में सिरसा के डेरा आश्रम में देश और विदेश के लाखों अनुयायियों को बुलाया, जिनकी मौजूदगी में 23 सितंबर 1990 को एक समारोह में गुरमीत राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा की गद्दी सौंप दी। बाबा गुरमीत राम रहीम इन सब लाखों लोगों के लिए संत हैं। लोग उनके प्रवचनों में शामिल होते रहे, उन्हें सुनते समझते रहे, उनकी बात मानते रहे। ये लोग बाबा राम रहीम के लिए परिवार की तरह थे, लेकिन उनका खुद का भी परिवार है। राम रहीम की 2 बेटियां और 1 बेटा है। बाबा की बड़ी बेटी का नाम चरणप्रीत और छोटी बेटी का नाम अमरप्रीत। राम रहीम की बेटी की शादी बठिंडा के पूर्व विधायक हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी से हुई। पुलिस भी उन्हीं की, जज भी उन्हीं के, वकील भी उन्हीं के। कि मेरे से बहुत अत्याचार हो रहा है, टॉर्चर करके ही सब होता है ना। ओ मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे को रहना है थोड़े दिन, बाद में बोलूंगा, बाहर निकल। नारायण 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 नारायण। आसाराम, नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को जोधपुर की अदालत ने दोषी ठहराया। आसाराम बापू पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप था। यह मामला 2013 का है। उन पर कई और भी मामले दर्ज है। आरोप था कि आसाराम जमीन हथियाने बच्चों की हत्या समेत कई अन्य मामलों में भी लिप्त रहे। पुलिस इन मामलों की जांच में जुटी है। आसाराम पर आशीर्वाद देने के बहाने लड़की से छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोप थे। उनके बेटे नारायण साई पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे। लेकिन आसाराम अकेले नहीं हैं। उनसे पहले गुरमीत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसे बाबा और भी हैं जो विवादों में रहे हैं। स्वामी की शख्सियत कैसी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ओर तो उन्हें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का सबसे नजदीकी सलाहकार माना जाता रहा, तो दूसरी तरफ उन पर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप भी लगा।
चंद्रास्वामी। चंद्रास्वामी का जन्म 1948 में राजस्थान के अलवर में हुआ था। उनके पिता साहूकार थे जिन्होंने बाद में हैदराबाद को अपने कारोबार का ठिकाना बना लिया। 9 भाई बहनों में चंद्रस्वामी 5वीं संतान थे। उनका असल नाम नेमी चंद्र जैन था। बहुत कम वक्त में चंद्रस्वामी ने खुद को एक भविष्य वक्ता, दिमाग पढ़ने की ताकत रखने वाले तांत्रिक यानी जगदाचार्य चंद्रस्वामी के तौर पर मशहूर कर लिया था। नका ट्रेडमार्क, माथे पर लंबा सा तिलक, सफ़ेद रेशम की चादर, लंबी दाढ़ी और गले में बड़ी सी रुद्राक्ष की माला। सत्ता के गलियारों में उनकी पहुंच और उनके विशाल साम्राज्य के अक्सर चर्चे हुआ करते थे। अब चंद्रास्वामी की मौत के बाद उनके अनुयायियों के बीच उनकी संपत्ति और समाज के बंटवारे को लेकर जंग छिड़ने के आसार। चंद्रास्वामी के अनुयायियों की लंबी चौड़ी फौज, इनमें रईस भी शामिल है, ताकतवर नेता भी हैं और विवादित लोग भी। विदेशों में भी चंद्रास्वामी के बहुत से मुरीद रहे। चंद्रस्वामी और उनके करीबी कैलाशनाथ अग्रवाल उर्फ मामा जी मिलकर कभी बेहद ताकतवर हुआ करते थे। वो किंग मेकर कहे जाते थे। चंद्रस्वामी के पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर से नज़दीकी की बहुत चर्चा होती है, लेकिन उनके अनुयायियों में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, बुरनेई के सुल्तान, हॉलीवुड अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर, बहरीन के शेख हिस्सा बिन सलमान अल खलीफा, सऊदी अरब के हथियारों के सौदागर अदनान खशोगी, टाइनी रोलैंड इराक के नेता सद्दाम हुसैन, मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर हैरोड्स के मालिक अल फैयद फाई और माफिया डॉन दाऊद अब्राहम जैसे लोग भी थे। 1970 के दशक से ही वो बड़े ताकतवर लोगों से संपर्क बनाने में जुट गए। चंद्रस्वामी जयप्रकाश नारायण से लेकर उस वक्त के कैबिनेट मंत्री और राज्यपालों और दिग्गज हस्तियों से ताल्लुक बना रहे थे। उस वक्त वह छुट भये नेताओं को भी उनकी मुश्किलों का हल बताकर मदद करते थे। ऐसे लोगों का तो उनके दरवाजे पर ताता लगा रहता था। लोग उनके पास मनपसंद ओहदे और नियुक्तियां हासिल करने से लेकर तमाम सिफारिशें लेकर आया करते थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक चंद्रस्वामी की पहुँच भी जग जाहिर थी। इन आरोपों के बीच कई देशों के शासनाध्यक्षों से मधुर संबंध, हथियारों की दलाली और हवाला का कारोबार, विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन जैसे कई संगीन आरोपों से भी चंद्रस्वामी सुर्खियों में रहे। बाबा रामपाल या संत रामपाल, जवान हैं वो किस तरह से घायल हो रहे हैं। आज इस स्थिति को देखते हुए मेरे आस्था बिल्कुल खत्म हो गई। रामपाल या संत रामपाल, अध्यात्म की दुनिया में कदम रखने से पहले हरियाणा के सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। 18 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर सत्संग करने लगे। उन्होंने सतलोक आश्रम बसाया। आरोप है कि उनके आश्रम के अस्पताल में गर्भपात सेंटर चलता था। उनके आश्रम से हथियार और कई आपत्तिजनक दवाएं जब्त की गई थी। उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने का केस दर्ज है। संत रामपाल देशद्रोह के एक मामले में फिलहाल हिसार जेल में बंद। नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी।
2010 में स्वामी नित्यानंद के खिलाफ धोखाधड़ी और अश्लीलता के मामले दर्ज हुए थे। उनकी कथित सेक्स सीरीज सामने आई। उन्होंने अभिनेत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाया गया। इसके बाद फोरेंसिक लैब में हुई जांच में सीडी का सही बताया गया, लेकिन नित्यानंद के आश्रम ने उस सीडी की अमेरिकी लैब की रिपोर्ट पेश की, जिसमें सीडी से छेड़छाड़ की बात सामने आई। इसके बाद नित्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें बेल मिल गई। इसके अलावा बेंगलुरु में नित्यानंद के आश्रम में छापेमारी के दौरान कंडोम और गांजा भी बरामद हुआ। बाबा खुद को इच्छाधारी संत बताते थे। इच्छाधारी संत के नाम से मशहूर स्वामी भीमा नागिन डांस के लिए चर्चा में रहते थे। 1997 में उन्हें लाजपत नगर इलाके से पुलिस ने देह व्यापार में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर आरोप था कि वो प्रवचन के बहाने लड़कियों को फंसा कर सेक्स रैकेट का कारोबार करते हैं। खुद को संत कहने वाले भीमानंद का वास्तविक नाम शिव मूर्त द्विवेदी है और ये बाबा बनने से पहले एक 5-स्टार होटल में गार्ड की नौकरी करते थे। तो देखा आपने इन बाबाओं की कहानी। ये रक्षक के वेश में एक भक्षक होते हैं, लेकिन प्रशासन का इतना सपोर्ट इनके साथ होता है कि कोई चाहकर भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता, लेकिन पाप करने वालों को सजा तो मिलती ही है। पाप के खड़े भरते हैं और इन्हें भी इनके कर्मों की सजा मिलती है। हालांकि ये आखिरी बाबा नहीं है, विदेश में ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जिनकी सच्चाई दुनिया के सामने आना बाकी है।